नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गैंगस्टर्स के बीच हुई गैंग वॉर की घटना के बारे में आमतौर पर हम लोग सुनते ही हैं। क्या आपने कभी बंदर और कुत्तों के बीच गैंग वॉर के बारे में सुना है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, पर महाराष्ट्र के बीड़ में बंदरों और कुत्तों के बीच गैंग वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के बीच दहशत है। इस गैंग वॉर में अब तक करीब 70-80 पिल्लों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि कुत्तों ने बंदर के बच्चों को मार दिया था, तभी से इनके बीच लड़ाई शुरू हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 माह में बंदरों ने कई कुत्तों के बच्चों को मार दिया है। कुत्तों और बंदरों के बीच इस झगड़े से पूरे गांव में दहशत है। गांव वालों ने इस घटना की जानकारी वन विभाग को भी दे दी है। 5,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग बंदरों के आतंक से काफी परेशान हैं। बंदरों ने सड़क पर चलने वाले लोगों पर भी कई बार हमला किया। वन विभाग ने पिंजरे में कुछ बंदरों को कैद किया, लेकिन लोगों का कहना है कि इसका कोई ठोस उपाय निकालना जरूरी है। गांव वालों का कहना है कि बंदरों का झुंड कुत्ते के बच्चों की तलाश में आता है और उन्हें उठाकर अपने पास रख लेता है। भूख और प्यास की वजह से पिल्लों की मौत हो जाती है। काफी लंबे समय से यह सिलसिला चल रहा है। वन विभाग का इस मसले पर कहना है कि गांव वालों की तरफ से जानकारी मिली थी। बंदरों ने यहां पर काफी आतंक मचाया हुआ है, जिसकी जांच के लिए टीम मौके पर भेज दी गई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।